ये देखें आप, हम यहाँ से आपने कैसे मतलब यहाँ की जमीन में इतनी अट्रैक्शन है कि चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। वाकई में यहाँ पर कुछ पुरसरारियत है, नाजरीन ये आज हम एक सऊदीया की एक बहुत ही पुरसरार जगह पर आए हैं। रियाद से तकरीबन ये 200 किलोमीटर दूर है। इसका नाम है हतीद बिन तमीमी के नाम से। हमने जितने भी लोग हैं उनसे मालूम किया है तो उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत ही कुछ अजीब अजीब सी कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन एक कहानी जो सबसे ज़्यादा हमने तमाम लोगों से ऑलमोस्ट सुनी है सबकी सेम थी कि जब तुर्क ने यहाँ से अपनी सल्तनत ख़त्म की और यहाँ से जाने लगे तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पानी के बहुत बड़ा ज़खायर और यहाँ पर बहुत बड़ा देख सकते हैं आप लोग। ये देखें ये जैसे ज़मीन आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें यहाँ पर कहते हैं कि एक महल होता था, बहुत यहाँ का जो बादशाह था उसकी बेटी थी बहुत खूबसूरत, उसका नाम था बिन तैमूर, उसी के नाम पे ये एरिया है। तो तमीमिया नाम था उस प्रिंसेस का। तो उसने जो है वो उन्होंने जाते हुए वो एक उसको बेसिकली यहाँ पे सुना है किसी लड़के से मोहब्बत वोब्बत हो गई थी तुर्क, कोई उसका आर्मी का कोई बंदा जनरल था उसकी भी यहाँ पे जो है वो अभी तक उसने बगावत कर दी थी तुर्कों के खिलाफ, तो उसके लिए उसकी वजह से उन्होंने यहाँ के लोगों को सबको यहाँ पे देखें पानी का सारा ये बंद करके ये यहाँ से जो है पानी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और इसको वीरान बना दिया गया ताकि यहाँ के लोग जो है प्यास से मर जाएं यहाँ पे, और शहजादी जो है उनके पास खुद जाए उनसे मदद मांगने के लिए। और यहाँ पर नाज़रीन हम आपको एक दरवाज़ा भी दिखाते चलें, ये इसके नीचे जिस पर हम खड़े हैं इसके नीचे एक दरवाज़ा था, यहाँ पर सुना जाता है कि यहाँ पर एक दियो भी था। दियो के बारे में बताइए ज़रा। बेसिकली अब कुछ लोगों ने हमें इस बारे में बताया है, लेकिन कुछ मतलब तीन चार लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ पे एक दियो भी होता है, वो भी उस शहजादी को बहुत पसंद करता था। और दियो जो है वो शहजादी को पकड़ के मतलब इसका महल जो शहजादी का हम दिखा दें आपको दोबारा इस जगह पे था, इस तरफ ये सारे जो पेड़ देख रहे हैं यहाँ पर खजूर के पेड़, ये सारे उस शहजादी के हाथ के ही लगे हुए उसी ने लगाए। और ये सऊदीया में मेरे ख्याल में 500 साल पुरानी ये बात है, वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि शहजादी अक्सर अपनी सहेलियों के साथ जो है यहाँ पे पानी का ये पानी जब था यहाँ पे बहुत, तो बेसिकली यहाँ पे एक उसने अपना बनाया हुआ था वो हॉस टाइप का बहुत, वहाँ पे आके वो अक्सर नहाया करती थी जहाँ पे देख के उस दियो को उससे मोहब्बत हुई थी। जी बिल्कुल, अबे ये हुआ था उसके बाद जो है वो दियो ने जो है ये इसके नीचे दरवाज़ा एक बना हुआ दरवाज़ा है इसका, उस दरवाज़े से जो है वो शहजादी को पकड़ के वहाँ से लेकर चला गया था। और उसके बाद यहाँ की जो सारी आवाम थी उसने एहतजाज भी किया था। खैर ये 500 साल पुरानी बात है, ये हिस्ट्री है, ये देख रहे हैं किस तरीके के बने हुए हैं। ये उस शहजादी को अक्सर इन बागों में यहाँ पे उसको मतलब लोगों ने देखा है। हाँ अभी भी बोलते हैं कि अभी भी उसकी वो जो पायल पनती थी उसकी पायल की आवाज़ें आती हैं यहाँ पर। हाँ यहाँ पे पायल की सुनाई देती मतलब अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो बोलते हैं। और उन्होंने बोला है कि अभी देखें मगरिब की अजान बिल्कुल अभी जस्ट हुई है, उन्होंने बोला था कि आप लोग मगरिब तक यहाँ पर रहें और उसके बाद मगरिब के बाद ये जगह प्लीज यहाँ पर छोड़ने चले। ये देखें कह रहे हैं ये आग जो यहाँ लगी है देख रहे हैं आप सामने, ये देख रहे हैं खुद लग जाती है यहाँ पर, ये आग खुद ब खुद उसके नाचने से लग जाती है। मतलब वो उसकी इतने मतलब वो हाँ मतलब पावर होती है उसके पाँवों के अंदर, वो इतना जोर का नाचती है कि उससे आग लग जाती है, जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ते हैं तो आग लगती है उसी तरह बिल्कुल इसमें लॉजिक है। लेकिन हमें यहाँ आके उनकी बातों में कुछ हकीकत नजर आई है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की सरसरा एक फिजा के अंदर जिस तरीके का मतलब एक और हवा भी देख लें एक डायरेक्शन में नहीं है, कभी आपको इस तरफ से नजर आएगी पहाड़ भी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। देख रहे हैं आप कैसे किस तरह के पहाड़ हैं, बिल्कुल मतलब एक वीरानिया सी एक मतलब ये चीज़ इस तरह की आपको नजर आ रही है। जी जी वो देखें वो पैरामिड भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे भाई, वो पैरामिड देखो ये देखें इसके बारे में बोल रहे थे ना कुछ, इसके बारे में उसने कहा था कि ये बेसिकली मतलब शहजा ये यहाँ पे ये उसके वालिद या उसके किसी का चचा वगैरह का यहाँ पे मेरा उनका हाँ वो कब्र है ये ना, क्योंकि वो कहते थे कि उस जमाने में इस तरह की नुकीली कब्रें बनाई मतलब यहाँ पे इस तरह के पैरामिड और भी हैं पीछे बहुत देखें। जी जी ये देख रहे हैं जिसको गाड़ी जा रही है, हाँ ये एंट्रेंस है उसकी ना, ये बनाई भी थी। अच्छा आप उसके बता रहे थे उसके पास गाड़ी भी थी, 500 साल पहले उसके पास गाड़ी कैसे हो सकती है यार, ये कुछ इसमें डाउट हमें भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये लोग गाड़ी होती थी क्या होती? घोड़ा गाड़ी मतलब बग्घी टाइप को शायद वो गाड़ी कहते हैं उस जमाने में, मतलब इस तरह की टाइप मतलब वो उसको आज मतलब उस वक्त उनको गाड़ी मतलब उनके लिए वो बेहतरीन चीज़ थी गाड़ी जैसे थी। जी जी देख रहे हैं आप ये तो गाड़ी आ रही है सामने, ये मतलब अंदर कह रहे हैं और भी बहुत छोटे पीछे आप इसकी बैक साइड पर अगर चले जाएँ तो ये पहाड़ में ये अंदर से इधर इसके बीच में रास्ता वो देख रहे हैं सामने वहाँ पे आ उसके बीच में से इन्होंने सुरंग मतलब कह रहे हैं उस जमाने में एक बहुत जबरदस्त किस्म का बनाया था रास्ता निकाला रास्ता बैक साइड। अच्छा और बैक साइड के ऊपर क्या बैक साइड पे मैंने सुना है कि वहाँ पे बैक साइड पे उनके सुना है कि महल
वो याजूद माजूद को इसके पीछे तो नहीं बंद किया था? अरे नहीं नहीं, याजूद माजूद अच्छा नहीं, इस तरफ पहले रुक जाओ उसका। ये देखिए नाजरीन, नाजरीन ये देख लें, ये जो है ये स्लाइडर होता था, ये शहजादी इसके ऊपर स्लाइड करती थी, ये झूला था उसका। नहीं लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे किसी जमाने में बर्फ पड़ती थी, बर्फ भी पड़ती थी। जी जी एग्जैक्टली होता था। और ये यहाँ पे वो आपने देखा होगा आइस स्केटिंग टाइप के लिए उन्होंने ये बनाया हुआ था, उसको ही तरीके शहजादी यहाँ पर आइस स्केटिंग करती थी। हाँ ये लोग अभी कह रहे हैं इस तरीके, मतलब कि यहाँ पे किसी यहाँ पे बर्फ जमी होती थी तो यहाँ पे आइस स्केटिंग करती थी। नजर आएंगे वो देखेंगे, ये आपको सामने घर नजर आ रहे हैं देखें। हाँ जी जी ये देखें सामने, बिल्कुल क्लोज करें आप और फिलहाल इसको देख लीजिए। ये हैं बेसिकली वो जहाँ ये जिन्नात और ये आखिरी वक्त के अंदर जब उसके ऊपर अटैक हुआ था शहजादी ऊपर, वो ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर जो घर वा रहे हैं इनके अंदर, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? आवाज़ सुन रहे हैं और से ये यहाँ पे इस तरह की आवाज़ें मतलब आपको बहुत नजर आएंगी। ये उस देव के बाल थे ये, थोड़े बहुत जो काट के इन्होंने मतलब जब उनका वो हुआ था तो उन्होंने उनके कुछ बाल काट दिए थे। ये देख लें, ये उस दियो के बाल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये पड़े हुए हैं। ये अभी तक कहते हैं मतलब ये बहुत मतलब इनको दियो की भी आत्मा भटकती है यहाँ पर अक्सर। ये देखिए नाजरीन, ये दो इधर के मकामी लोग हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जो वहाँ पर घूम कर आ रहे हैं। आइए इनसे चलकर पूछते हैं। ये देखें ये थोड़े यहाँ पर जंगली हो गए, यहाँ पर हम लोग को भगा रहे हैं यहाँ से, ये भगा रहे हैं, ये बोलने के चले। इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या फाइंड किया। जी मोहम्मद मोहम्मद ताल 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 यहाँ पर आप बताइएगा, आप क्या दिक्कत आ रहे हैं पीछे, आपको क्या क्या दिखा? शेर भी है भाई यहाँ पे बताया, शेर भी है मतलब शेर, वो मतलब जो फिजिकली है या फिर लाहौर वाला शेर? लाहौर वाला शेर है। अच्छा और क्या दिक्कत आया पीछे से बताइएगा, तो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दें यहाँ पर आवाम को। अच्छा ये उस वक्त से मुझे क्यों निकाला, तब भी इसने बोला था कि मुझे क्यों निकाला देव ने? अच्छा देव यहाँ जो बनता उसने की बोला था मुझे क्यों निकाला। ये वहाँ से फिर ये मशहूर हो गया, नवाज शरीफ ने भी मेरे ख्याल में स्टोरीज की सुनी हुई है, पढ़ी हुई तारीख की, तभी उसने जो है उससे इंस्पायर होकर यही बोला था कि मुझे क्यों निकाला। सऊदीया में आपको पता है वरिया के भी जा चुका है। अच्छा अभी हमने आपको देव के बाल भी दिखा दिए, देव के बाल दिखाए ना आपने? देखे देव के बाल? वो देखिए पूरे भी हमने आपको सुनाया। क्या बोल रहे हैं आप? मैं मेरे ख्याल में ऐसा ना मूव करना चाहिए क्योंकि आवाज़ जो आ रही थी वो कुछ ज़्यादा हो गई। जी जी मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही फील हो रहा है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि मगरब तक के उन्होंने बोला था कि मगरब तक आप रुके हैं, आप उसके बाद जो है ऐसे चले जाइए, फौरन चलिएगा अंधेरा जैसे हो शुरू हो जाएगी। तो हम लोग जो है यहाँ से, और ये देखें खुद ब खुद जली ये लाइटें, देख ली देखिए, और हम चाहते हैं कि ये स्टोरी आप तक पहुँचे, इसलिए हम यहाँ से जिंदा बच के निकलना चाहते हैं।